नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट 100 में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानूनों को लेकर हंगामा किया गया। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपी फाड़ी गई। बता दें कि आप विधायकों ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ी। दिल्ली विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। कृषि कानून को रद्द करने के लिए संकल्प पत्र पेश किया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी कानून को लेकर चर्चा नहीं है, शुरुआत में सिर्फ प्रदर्शन को लेकर बहस होगी। कानून वैध है या नहीं इस पर बाद में बहस हो सकती है। कोर्ट में हरीश सालवे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्लीवासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन के अधिकार का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि हम इस मामले में देखेंगे, किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हुई, इसलिए कमेटी का गठन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी चल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी का फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। शाजापुर बॉर्डर पर किसानों का धरना 5वें दिन भी जारी। महिला और बच्चे भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ेगा। कमेटी के गठन को किसान पहले ही खारिज कर चुके हैं। किसान थकेंगे नहीं, किसान और जुटेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों के उपवास के जवाब में अब बीजेपी भी उपवास का सहारा लेगी। कृषि कानून के पक्ष में बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। इस उपवास में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। फतेहाबाद में बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 19 दिसंबर को बीजेपी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेगी। जिला स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि कानून के समर्थन में उपवास पर बैठे। किसानों को अब पूर्व सैनिकों का भी साथ मिल गया है। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए अंबाला से रवाना हुआ। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी के प्रधान ने सरकार से किसानों की मांगों को मानकर उनकी समस्या का समाधान करने की अपील की। कहा कि देश का जवान और किसान सड़कों पर आ जाएं तो ये उस देश का दुर्भाग्य होता है। पंचकुला में कड़कड़ाती ठंड में किसानों के समर्थन में बच्चे और बुजुर्ग उतरे और सेक्टर 14 में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग रखी। कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है, तब तक किसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल हुए थे। राम सिंह करनाल के सिंगड़ा गांव के रहने वाले थे। बताया जाता है कि 65 वर्षीय बाबा राम सिंह के हरियाणा और पंजाब के अलावा दुनिया भर में लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। कई सिख संगठनों में अलग अलग पदों पर वो रह चुके हैं। राम सिंह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे थे। उन्होंने शिविर की भी व्यवस्था की और कंबल भी बांटे थे। संत बाबा राम सिंह का सुसाइड नोट भी सामने आया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि किसानों का दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं। बहुत दिल दुखा है, सरकार न्याय नहीं दे रही। संत बाबा राम सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संत बाबा राम सिंह के शव को सिंगड़ा गांव ले जाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में गांव और सिंगड़ा में हजारों श्रद्धालु अंतिम दर्शन करने पहुंचे। अनुयायियों का कहना है कि राम सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसानों के लिए शहादत दी।
पूर्व मंत्री हरसिमरत कौर और अकाली दल नेता सुखबीर बादल बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। हरसिमरत कौर ने कहा कि अत्याचारी सरकार लोगों की जान ले रही है, इसको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान सुखबीर बादल ने कहा कि बाबा राम सिंह ने शहादत दी और बड़े दुख की बात है कि सरकार को किसानों का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी करनाल पहुंचे। सुसाइड से पहले दिन राम सिंह ने चढ़ूनी से मुलाकात की थी और किसानों के मुद्दे पर बात की थी। भाजपा जाखल मंडल परीक्षण शिविर का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए जाखल के अग्रसेन चौक पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बैनर भी फाड़ दिए और झंडे को आग के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद बाबा राम सिंह का शव सिंगड़ा गांव गुरुद्वारा नानकसर पहुंचा। अंतिम संस्कार से पहले संगत और सिख समाज के गुरु बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नानकसर गुरुद्वारे पहुंचे गुरनाम सिंह चढ़ूनी मीडिया के सामने फूट फूट कर रोए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि न किसानों की सरकार सुनती और न ही कोर्ट। चढ़ूनी ने कहा कि संत बाबा राम सिंह से किसानों का दुख देखा नहीं गया, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बात की थी, उनका जाना बहुत बड़ी कुर्बानी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी, लिखा कि बाबा राम सिंह का निधन संत समाज देश राज्य और मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं, मोदी सरकार क्रूरता की हर हद पार कर चुकी है, जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। संत बाबा राम सिंह के पार्थिव शरीर को नमन करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची। संत बाबा राम सिंह जी के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंची, श्रद्धांजलि दी, जहां उन्होंने कहा कि सरकार जिद छोड़े और किसानों की बात माने। संत राम सिंह जी ने शहादत दी है और 20 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। शैलजा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियां और उनके इस किसान बिल का आज लोग विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, इसीलिए सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। शैलजा ने कहा कि संत बाबा राम सिंह जी ने हमेशा मानवता का संदेश दिया, किसानों के दुख दर्द को समझा, जिसके चलते उन्होंने शहादत दी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। टीकरी बॉर्डर पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों में से एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के बठिंडा जिले के गांव तुंगवाली का रहने वाला था। मृतक किसान की पहचान जयसिंह के रूप में हुई है। एक अन्य किसान कुलविंदर की भी बीच रास्ते ट्रॉली में गिरने की वजह से मौत होने की बात कही जा रही है। किसान नेताओं की माने तो किसान कुलविंदर टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते उसकी ट्रॉली के नीचे गिरने से मौत हो गई। जयसिंह और कुलविंदर की मौत पर दुख जताते हुए किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर ही मंच से मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। किसान नेताओं का कहना था कि सर्दी कितनी भी बढ़े लेकिन किसान अनुशासित संघर्ष कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब पूंजीपतियों का बहिष्कार साफ दिखने लगा है। लगातार अपने रिलायंस जियो के नंबर्स को अन्य कंपनियों में लोग पोर्ट करवा रहे हैं। किसानों के इस बहिष्कार का फायदा दूसरी कंपनीज ने उठाना शुरू कर दिया है। केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर पिछले 15 दिनों से चल रहे धरना स्थल पर कई सिम कंपनीज ने अपने अपने स्टॉल लगा दिए। ये लोगों को जियो के नंबरों का निशुल्क पोर्ट करने के साथ साथ लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं। धरना स्थल पर अब तक करीब 400 किसानों ने अपना नंबर पोर्ट करवाया है। अंबाला में नगर निगम चुनाव के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी का मैराथन प्रचार जारी है। पार्टी के तमाम प्रत्याशी समेत मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा प्रचार में जुटी हुई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा और उनकी पुत्रवधु प्रीति शर्मा ने भी प्रचार की कमान संभाली। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 6 में पब्लिक मीटिंग की, डोर टू डोर प्रचार कर मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे।
यहाँ उन्होंने जनता से संवाद किया, समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड नंबर एक में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जसबीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सामने पानी के बोर की समस्या का जिक्र किया, डिस्पेंसरी की मांग भी की, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जीतने के 10 दिन के अंदर ही लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी को लोगों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। वार्ड नंबर 17 में एक व्यक्ति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा करवाए गए शहर के विकास को लेकर एक गाना गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अंबाला से नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में उनके द्वारा वार्ड नंबर 15 में डोर टू डोर प्रचार को आगे बढ़ाया गया। वार्ड नंबर 15 पहुंची शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। भारी तादाद में समर्थकों ने डोर टू डोर कैंपेन में मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का साथ देते हुए पार्टी के लिए वोट की अपील। मुश्किल वक्त में जो जननेता जनता के साथ खड़ा होता है, उसे ही जनता चुनाव के वक्त में भी याद रखती है। अंबाला में इन दिनों निगम चुनाव का शोर है। ऐसे में वार्ड नंबर 15 के लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 के निवासी अजय कुमार कहते हैं, कोरोना काल में विनोद शर्मा ही ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इलाके को सैनिटाइज करवाया, घर घर सैनिटाइजर और मास्क बनवाए। हरियाणा जनचेतना पार्टी निगम में अंबाला के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। अजय कुमार कहते हैं, अंबाला में न तो सफाई है और न ही विकास। जिस इलाके में अजय कुमार रहते हैं वहां डिस्पेंसरी भी नहीं है। ऐसे में लोगों का रुझान हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ दिख रहा है। अंबाला में बदलाव की मांग को लेकर 84 साल के फजन सिंह वार्ड नंबर 15 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के लिए प्रचार में उतरे। उनका कहना है कि 20 दिन पहले उनकी बीवी की मौत हो गई थी, लेकिन बदलाव के लिए प्रचार करना था। फजन सिंह का कहना है कि जो गालियां विकास हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में जिन गलियों का निर्माण हुआ है, उन्हें वैसा ही विकास चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के दौर का समय बहुत अच्छा था, बिना कहे काम होते थे, पर अब उसका उलट है। ऐसे में फजन सिंह ने न केवल पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया, बल्कि पार्टी के तमाम मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाने का काम किया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा ने कृषि कानूनों को लेकर कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सत्य का पहले विरोध किया जाता है, बाद में मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसे स्वीकार कर लिया जाता है। रामचंद्र जांगरा ने कहा कि किसानों की समझ में आ चुका है कि कानून संशोधन के बाद उनमें उनके हक में है। यही वजह कि कुछ किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर किसानों के हित में इन कानूनों को बताया। जांगरा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन के बहाने कांग्रेस ने कद को बड़ा करने में पूरी ताकत लगा दी है। सही मायने में तो कांग्रेस के सामने चुनौती है, वो देश भर में मिल रहे मोदी के समर्थन को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करे। कैथल में पराली की गांठों की प्रोत्साहन राशि लेने के लिए 4,682 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 30,182 एकड़ एरिया रजिस्टर्ड किया गया, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि जिन किसानों ने पराली की गांठें बनवाई हैं, उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि 50 रुपए प्रति क्विंटल या 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। डॉक्टर करमचंद ने बताया कि इच्छुक किसान अपना आवेदन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाएं। उन्होंने कितने एकड़ एरिया की पराली की गांठें बनाकर कहां कहां पर बेची हैं, सरकार उनके खाते में प्रोत्साहन राशि जमा करवाएगी। कुरुक्षेत्र में धान की खेती छोड़कर मक्के की खेती करने वाले किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया था कि उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद हो नहीं रही है और प्राइवेट बेचने पर सही रेट मिल नहीं पाता, घर में इतनी जगह भी नहीं है कि वो अपनी फसल को स्टोर कर सके। किसानों के मुताबिक 7,000 रुपए राशि देने की बात कही गई, जिसमें सरकार को कुछ पैसा बिजाई के समय देना था और कुछ कटाई पर, लेकिन सरकार के वायदे सिर्फ खोखले दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी की रैली से पहले ग्रेनेड हमला हुआ। अनंतनाग के विजबेहरा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। कोरोना काल में इस बार ये वार्ता वर्चुअल तरीके से हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिया, कोरोना काल में बांग्लादेश उनकी प्राथमिकताओं में है,
इस दौरान चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की गई। दोनों देशों में कई एमओयू भी साइन हुए। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश लंबे वक्त से वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में भारत बांग्लादेश का अच्छा सहयोग रहा है। वैक्सीन के काम में भी दोनों का सहयोग बना रहेगा। दोनों देश कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं, जो हमारी दोस्ती को दिखाता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने संबोधन में कहा, कोरोना काल में आए दोनों देश और करीब दोनों देशों में इस साल नई कनेक्टिविटी पर काम शुरू हुआ है। भारत आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम रोल अदा करने वाला है। इस दौरान दोनों देशों की ओर से बंगबंधु के सम्मान में टिकट जारी किया गया। महात्मा गांधी डिजिटल प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। वार्ता के दौरान ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। शुरुआत में इस लिंक का इस्तेमाल सामान लाने और ले जाने के लिए किया जाएगा। बाद में पैसेंजर सेवा यहां पर शुरू हो सकती है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,000 नए केस सामने आए हैं। 355 लोगों की मौत हो गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 99,56,000 हो गई। दिल्ली में बर्फीली हवा बह रही है। एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है। भारी बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत के तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी झेल रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ती सर्दी और सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहरें चल रही हैं। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग शुरू की गई। डॉक्टर्स के साथ आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को भी ट्रेनिंग दी गई। फतेहाबाद में पहले चरण में 5,000 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन किया गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। अगर किसी को कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट सेंटर बनाए गए हैं। फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट फिजिशियन को मैनेजमेंट सेंटर का इंचार्ज बनाया गया है। पंचकुला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। आरोप है कि सेशन जज वकीलों को तंग करते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। प्रदर्शनकारियों की माने तो वकीलों के प्रति सेशन जज का रवैया ठीक नहीं। बार एसोसिएशन प्रधान सतीश कादियान ने बताया कि कोर्ट के सभी वकील सेशन जज के रवैये से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की है। स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने कोविड महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करते हुए भिवानी में कोविड जांच के लिए मॉलिक्यूलर लैब की स्थापना की है। फतेहाबाद में कोरोना के सैंपल ले रही स्वास्थ्य विभाग की टीम पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार चालक को कोरोना सैंपल के लिए रुकवाया था। कर्मचारी ने साइड पर कूदकर अपनी जान बचाई। कर्मचारी के पैर पर चोट आई है। मौके पर तैनात कर्मचारियों ने युवक को काबू कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के डॉक्टर्स का कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर शिकायत भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस को दे दी। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम ने दो फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 49 के आईटी स्पेस में दोनों कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम की टीम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। अमेरिका के लोगों को ग्रांट्स देने का लालच देकर धोखाधड़ी की जाती है। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सूचना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद टीम बनाकर कार्रवाई की गई।